मैं हूँ कायनात शाह और आज मैं मौजूद हूँ BCE हॉरर एंटरटेनमेंट के स्टूडियो और आज ही मेरा फर्स्ट व्लॉग है। लोकेशन पे अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करती रहूँगी साथ ही आज बारे। आज मैं आपको मिलवाती हूँ साया मूवी के डायरेक्टर से। हेलो कायनात। हेलो सर। आप इनको बताइए ना कि कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोकेशन देखने जा रहे हैं आज कुछ और कुछ शॉपिंग भी करेंगे हम, ठीक है ना। और घूमेंगे फिरेंगे। कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जाएंगे माइक पहले लेने हैं सबसे पहले। अच्छा ओके। जी माइक लेने उसके बाद फिर लोकेशन पे जाएंगे और लोकेशन के बाद हम लोग जाएंगे किसी रेस्टोरेंट और वो जरूर पकौड़े खाने। एग्जैक्टली वो हम लोगों ने जरूर खाने। अच्छा वो जरूर कारमा भी जा रही है हमारे साथ। ये लोकेशन देखेंगी साथ कुछ खाएंगी और आज शहर का उनका पूरा मूड आप देख रहे हैं तो हम आपको सब चीज़ें अपडेट करते रहेंगे साथ में। मार्केट जा रहे हैं। मैंने माइक लेना है और क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरी वॉइस को थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रही है। सो सर जाने का इरादा है अब आपका? जी बिल्कुल जाने का इरादा है। हम इंतजार कर रहे हैं सारा का। ओके देखिए कामना भी इंतजार कर रही है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, हम भी इंतजार कर रही है। घर भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली है ना, वो तो है लेकिन हम इंजॉय करेंगे। ये तुमने ना आके मेरे शूज़ का दस्ता तोड़ दिया है, आई बात समझ में? और अभी मैंने ब्लॉग बनाना है जाके लोकेशन पे। ये हालात है इसके कारण ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी क्योंकि ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो ये तंग करती है ना मुझे। माइक लेने, ठीक है। ये हमारी मार्केट है जहाँ से हम कुछ इक्विपमेंट लेंगे और फिर हम लोकेशन देखने निकलेंगे। और कहाँ से लेना है? कहाँ से? हम लोग अपनी शूटिंग स्पॉट पे आ चुके हैं और आज के इस व्लॉग में हम आपको अपनी नेक्स्ट शूट की तैयारियां सारी दिखाएंगे। आज हमारे साथ कायनात हैं, हमारे साथ सर। कायनात आज हमारे साथ कायनात भी हैं। आप चेंज भी करेंगे? जी मैं चेंज करूंगी। क्या बात है, ये देखें आज इन्होंने आते सारी हमने चेंज भी कर लिया है। और कारमा से भी मिलवाएंगे? हाँ कारमा से भी हम आपको मिलवाएंगे। कैसे भूल गए आप? जी जी हम कारमा को भी मिलवाएंगे आपको। आज हमारे साथ आई हुई है स्पॉट पे और हम सारे मिलके अपनी लोकेशन भी देखेंगे और हम आप लोगों से बातें भी करेंगे। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग प्रोडक्शंस करना चाह रहे हैं और उनको पता नहीं कि प्रोडक्शन चलाने कैसे है, लाइक मतलब कैसे इसको करना है, तो आप मुझे बताएं किस तरीके से चलानी चाहिए। देखें बात यह है कि प्रोडक्शन सिर्फ कैमरा ऑन करके डायलॉग बोलने का नाम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी तुम खुद कर रही हो काम, तुम्हें अंदाज़ा होगा। काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। हम जो फिल्म कर रहे हैं तुम लोग सारे जो यंगस्टर्स हो तुम लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे होगे क्योंकि एक चीज़ नहीं है इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्शन में आपकी मार्केटिंग होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपकी रॉ मटेरियल होता है, फिर वो सारा बनता है। तो एग्जैक्टली फिल्म इंडस्ट्री भी इसीलिए उसे इंडस्ट्री कहा जाता है कि वो भी एक इंडस्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर प्रोडक्शन बनाती हैं।
ठीक है, जिसमें आप ये कह लें कि एक अच्छा स्क्रिप्ट, सबसे पहले तो आपका एक प्रोड्यूसर है, फिर वो प्रोड्यूसर एक कहानी लेता है, वो कहानी लेके एक डायरेक्टर हायर करता है, वो डायरेक्टर जो है वो बहुत जी डेफिनेटली कास्टिंग होती है, और एक अच्छी स्क्रिप्ट को अच्छी कास्ट मिल जाए अगर, ठीक है, तो वो फिर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बन सकती है, एक प्रोडक्शन बड़ी अच्छी हो सकती है। और फिर प्रोडक्शन में बहुत सारे आप हमेशा नए तजुर्बात। अच्छा सॉरी मैं आपकी मैं बात काट रही हूँ, मैंने बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही कि छोटे छोटे मतलब स्टूडियो वगैरह बनाए हुए हैं और वो लोग ये शो कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगी ठीक है, ये शो कर रहे होते कि हमारी अपनी प्रोडक्शन है और जस्ट नॉर्मल एक शूट्स वगैरह करवा दिए इंडोर, तो ये क्या ये है प्रोडक्शन? देखो नेचर है ना, अब अगर अगर जैसे अब सोशल मीडिया के आने से बहुत से छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस बने, ठीक है, और वो अब नौइयत है प्रोडक्शन, जैसे तुम इन हाउस बहुत सारे सिटकॉम्स कर सकते हो, बहुत सारे जैसे सिटकॉम का मतलब मुझे बताएं कि सिटकॉम किसे कहते हैं, और बहुत से ये होता है कि लोग बताते हैं कि टीवीसी एड कमर्शियल्स हैं, जो टीवीसी एड कमर्शियल्स होते हैं वो ऑन स्क्रीन क्यों नहीं चलते हैं, मतलब लाइक ये सोशल मीडिया के लिए होते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक के लिए? टीवीसी आपके पहले चूँकि सोशल मीडिया नहीं था तो वो टीवी पे चलता था सब कुछ, ठीक है, बहुत सारे पब्लिक मैसेजेस बहुत सारी चीज़ें वहाँ चलती थी, और तुम्हारा वो क्वेश्चन के जो प्रोडक्शन है जो तुमने पहले इससे पहले क्वेश्चन किया वो जरा भूल गया, वो बताना मुझे क्या तुम पूछा था तुमने, जगह पे जो हाँ 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 एग्जैक्टली वो ये है कि नौइयत है प्रोडक्शन की, कि अब जैसे हम फिल्म कर रहे हैं या कोई सीरियल कर रहा है, सिटकॉम क्या है, सिटकॉम आप एक ही लोकेशन में रह के जिसमें बहुत कम आउटडोर पे आप जाते हैं, और एक इसको आप स्टेज कह लें, जैसे आप स्टेज करते हैं वो स्टेज होता है और आप उसे शूट कर लेते हैं, तो एक ही जगह पे रह के आप लाइक स्टेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको हम सिटकॉम कहते हैं, उसमें लोग कोशिश प्रोडक्शन की कोशिश होती है कि कंटेंट बहुत अच्छा हो, कंटेंट ऐसा हो कि जिसमें आपके कम एक्टर्स हों और वो बहुत सारा काम करें, बहुत सारी बात हों, हम जो तुमने छोटे छोटे उनकी बात की, बहुत सारी अच्छी बात हुई है मेरा ख्याल में, जिससे टैलेंट बहुत निकल के सामने आ रहा है, नए लोग बहुत सारे सामने आ रहे हैं, उन छोटे 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 प्रोडक्शन हाउसेज ने कम अज़ कम उस जगह को मेरा पर्सनल ख्याल है फिल किया है कि जहाँ पे कोई एकेडमी होनी चाहिए थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग होने चाहिए थे, हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिलना, हमारा टैलेंट तो आप यकीन करें कि खुदा की तरफ से, ना कोई एकेडमी, तुम लोग जितने काम कर रहे हो कहाँ कोई किसी एकेडमी से आया। एक्टिंग के हवाले से मैं आपसे बात करूँगी कि एक्टिंग क्या है, मतलब अगर कोई जैसे अब आप हैं कोई न्यू फेस आप देखना चाह रहे हैं ठीक है, और आपको नहीं मिल रहा, अगर आप टिकटॉक पे जाते हैं तो टिकटॉक पे जैसा लड़कियों ने सॉन्ग्स वगैरह किए होते, काफ़ी डिफरेंट डायलॉग्स से भी मैंने बनाई भी होती हैं वीडियोस, तो ये क्या ये एक्ट में शामिल होता है कि कोई भी जज कर सकता है उस वीडियो को देख के ये कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है? बिल्कुल हो सकता है, देखें आपकी आपकी बोली भी एक लाइन, देखो हम काम ही ऑडियो वीडियो के लिए कर रहे हैं, तो आपका पहला टेस्ट तो ये हो जाता है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। हाँ रही बात एक्टर होने की, तो नेचुरली आप के अंदर अगर फीलिंग है, करंट है, आप आर्टिस्टिक हैं, ठीक है, तो जो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं वो आपको उसमें से मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते। हाँ ये तो ऐसे ही होता है कि एक हज़ार लोगों ने टिकटॉक किया तो उसमें से चंद लोग ही निकलेंगे जो वाकई होंगे एक्टर्स, और मैं समझता हूँ एज अ डायरेक्टर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में प्रोडक्शन के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं चाहिए, आपको हर किस्म का पेस, हर किस्म की आवाज़, हर किस्म की टोन, हर किस्म का रंग, हर किस्म की हाइट नेचुरली आपको चाहिए, क्योंकि आप इस प्रोडक्शन इसी दुनिया में से करते हैं ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आज हम लोग जैसे कि एक हम हॉरर मूवी कर रहे हैं, साया मूवी जी, साया जो तुम प्ले कर रही हो उसका टाइटल, उसके बाद ओनाइजा है, उसके बाद हमारे साथ अनान है,
फिर मुबशर मलिक हैं, ठीक है, तो ये सारे और एक्ट्रेस लैला जुबैरी, लैला अपा हैं। तो देखो जो सिचुएशन जो 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 एक प्रोडक्शन बनती है ये एक फैमिली है, ये जब हम सारे मिल के बैठते हैं, फिर टेक्नीशियंस हैं, टेक्नीशियन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन और नेचुरली जो जो लोग सीरीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको पता है टेक्नीशियन क्या चीज़ है। टेक्नीशियन के बगैर जैसे मेकअप आर्टिस्ट वो एक टेक्नीशियन है, वो एक आर्टिस्ट है, ठीक है, उसके बगैर हम कैसे स्क्रीन पे आ नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती सर, आपको पता है कि मेकअप के मामले में बहुत ज़्यादा, हमारा तो बहुत ज़्यादा, इस तरह के और सारे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, हम जो सीन क्रिएट कर रहे होते हैं लाइट के बगैर हम कुछ नहीं, नहीं कर, हम अपने इलेक्ट्रिशियन के बगैर कुछ नहीं है, हम मुख्तलिफ स्पॉट्स पे मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, जैसे अभी हम इसमें बारिश का जो आर्टिफिशियल रेन है वो हम करेंगे, और बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करेंगे जो कि पहले भी होती आई हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अब चूँकि चीज़ें बड़ी कॉम्पैक्ट हो गई हैं, वो वाला सिनेरियो नहीं रहा जैसे हुआ करता था, वो बहुत इक्विपमेंट इन्वॉल्व था, बहुत मैन पावर इन्वॉल्व थी, अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गई हैं नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। जैसे मेकअप नया नया आ रहा है, एक्सटेंशन आ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें, पहले वक्तों में ये नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, अब ये है। तो देखो जहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, हो रही हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज भी हुआ टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन टेक्नीशियन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब लोगों के लिए, तुम्हारे मेरे लिए, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस सारी चीज़ को बनाते हैं। और मैं अनफॉर्चुनेट है ये बड़ी बात कि उनका नाम कहीं नहीं होता, आपके लाइटिंग, आपके कैमरा के लोग, कैमरामैन स्पेशली कैमरा, अच्छा, की आँख से आप सब कुछ देखते हैं, उनका भी जरा नेम वगैरह बता दें जो काम कर रहे हैं मूवी में, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मुबशर हैं, आर्टिस्टों में कायनात हैं, ठीक है, उसके बाद उनायजा हैं, उसके बाद हमारे साथ अनान है, और हमारे और को आर्टिस्ट हैं कुछ लोग हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस में हमारे साथ हमारे डी ओ पी हैं, चैम्बर अलेक्जेंडर हैं, उसके बाद हमारे जो और टेक्नीशियन हैं जिसमें रेन के लिए असद हैं, उसके बाद जो लाइटिंग है उसके लिए हबीब साहब हैं, मतलब साउंड पे हमारे साथ, उनका नाम मुझे एक्चुअली अभी वो नए हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये सारी टीम कल हमारे साथ होगी। अच्छा, हमारे हमारी आर्ट डायरेक्टर हैं सारा अलेक्जेंडर, वो भी हैं। अच्छा, उसके बाद तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट इरम बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बड़ी सेंसिबल हैं और बड़ा काम कर चुकी हैं। इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बताएं कि सॉन्ग्स कैसे हैं, व्यूवर्स भी जानना चाह रहे होंगे। सॉन्ग ये मूवी तो हो रही है और वो BTS भी अपलोड हो रहे हैं, तो सॉन्ग्स के बारे में कहीं पे भी कोई नाम और निशान नहीं मुझे नजर आ रहा, सॉन्ग के बारे में बताएं। सॉन्ग बड़े मजे के हैं, एक लव सॉन्ग है तेरी ये निगाहें, और एक इसका टाइटल सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है ना आई थिंक, हां, और एक है और अकेला मैं, ये एक टाइटल है। और वो सिंग किसने किए वो भी आप बता दें। हां, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका सिंगर मैं हूँ जी, मैंने गाया, और कंपोज इफ्तार जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, एक्चुअली वो राइटर हैं, इज़ अ वेरी गुड राइटर, और उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं हमारे, एक्चुअली हमारा एक बैंड हुआ करता था वे बैक 1997-98 की बात है, 2000 की अंदर हमने वो बैंड रखा, तो इतना टाइम हो गया हम लोगों को, हम साथ हैं, और उन्होंने कुछ गाने लिखे थे, अब आके हमने नए गाने लिखे हैं इसके लिए, सिचुएशनल सॉन्ग हैं, तो क्योंकि वो लिखते बहुत अच्छा है और कंपोजिशंस भी उनकी हैं, तो फिर हम वो स्पेशली वो कनाडा से आए यहाँ उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि उनको शायद मेरे पे बहुत इत्माद है या इत्माद बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे वोकल कराने में ही गेम ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, एंड वो हमने दोनों गाने किए, और मुझे लगता है वो तुम उसमें परफॉर्म कर रही हो, अनान कर रहा है, और भी दो कैरेक्टर्स की हमें ज़रूरत होगी जी, ऑब्वियसली वो भी हैं, लेकिन वो मुझे लगता है हम मेरी सबकी कोशिश होगी, हमारी कोशिश होगी कि वो बहुत अच्छे हों। मूवी कब हो रही है रिलीज के ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में, रिलीज हम अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम करेंगे।
लेकिन चूँकि मुख्तलिफ तुम्हें पता है चीज़ें हालात हैं, फिर मुल्क के हालात हैं, फिर चीज़ें हैं, फिर आर्टिस्टों की गर्मी और दूसरा आर्टिस्टों की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो चंद आर्टिस्ट ऐसे हैं जो काफ़ी बिजी हैं, जैसे कायनात शाह हैं बिजी हैं, उसके बाद आपा बहुत बिजी हैं उसके बाद वनायजा बहुत बिजी हैं, फिर उसके बाद मुबशर बहुत बिजी हैं। तो ये सारा यही है प्रोडक्शन जो तुम बात कर रही हो कि बहुत सारे हालात में से चीज़ों में से गुजर के आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हर एक को अपना बच्चा प्यारा लगता है, हमें तो अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, बाकी जब वो बच्चा दुनिया में जाता है तो फिर लोग उसके बारे में राय कायम करते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे कि हम सारे मिलके, एंड मैं समझता हूँ कि हमारी जो सारी टीम है वो काफ़ी टैलेंटेड है। अच्छा ये है कि प्रोडक्शन के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है, तो मुझे एक्ट्रेस के बारे में बताएं। लाइक अभी जैसे कोई अभी कल ही की बात है, मैंने किसी से बात की, नाम नहीं लूँगी, तो न्यू फेस था, मुझे अच्छा लगा जो कि इस मूवी के कैरेक्टर में मेरी फ्रेंड का आई थी उसका है कैरेक्टर है, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब हमसे डायरेक्ट बात करें, उन्होंने उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया कि वो हमारी प्रोडक्ट है। तो ऐसा कुछ होता है अगर कोई न्यू फेस को अगर कोई चांस मिलता है तो उसको करना चाहिए चीज़ या नहीं करना चाहिए? अच्छा तुम बात कर रही हो जो आपके जैसे जो ऐसी कंपनीज हैं जो एक्टर्स प्रोवाइड करती हैं। हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। उसमें यह है कि हर कंपनी ने अपना एक डेकोरम रखा हुआ है कि अगर आप उन्हें हायर करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी से डील करेंगे। ये अच्छी बात है, बाहर भी ये होता है, यहाँ पाकिस्तान में भी अब ये शुरू हुआ है। देखो सोर्स टैलेंट सब कुछ बेकार है, हमारी सारी एफर्ट बेकार है अगर हमें टैलेंटेड लोग नहीं मिलेंगे। देखो एक्ट तो एक्टर से ही होगा ना, लोकेशन मैटर करती है, म्यूजिक मैटर करता है, शायरी मैटर करती है, डायलॉग मैटर करता है, बट एक्टर इस सब चीज़ को जान डालता है। और हमारे पास पाकिस्तान में सोर्स, मैं तो हर सोर्स को वेलकम करता हूँ, मैं हर सोर्स को वेलकम करता हूँ कि जहाँ से हमें अच्छा एक्टर, एक्ट्रेस को तुम अगर कभी मुझसे ये पूछो कि एक्ट्रेस को करना क्या चाहिए, एक्ट्रेस को करना ये चाहिए कि एक तो इस तरह के प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ करें, सोशल मीडिया ज़रूर उसे अपडेट रखें ताकि वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तक पहुंच सकें, रेडियो ज़रूर करें, अपने एक्सेंट को, अपनी शक्ल को, अपने फिजीक को, इसको एक ये ना समझे खा लिया सो लिया और फिर मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। जैसे आर्मी में जैसे फोर्सेस में जैसे और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप एक एथलीट हैं तो यू हैव टू बी फिट ना, आप जॉगिंग करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपने फेस का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस का ख्याल रखें, इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लुक्स का ख्याल रखें, स्टाइलिश होना चाहिए, आप सोशलाइज करें, आपको सोशलाइज करना चाहिए ताकि आपकी गैदरिंग बने। हमारे जो नए बच्चे हैं उनको ये ग्रूमिंग उनकी होनी चाहिए कि वो ये सब चीज़ें करें, तब एक मुकम्मल आर्टिस्ट बनता है, तब एक मुकम्मल पर्सनालिटी बनती है, वो पर्सनालिटी जो पर्दे पे जाके किसी को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो अच्छा इसके अलावा मैं एक्टिंग के बारे में बात करूँगी, जैसे अभी आपने बता दिया कि ग्रूम कैसे करना चाहिए, कैसे स्ट्रगल, तो एक्टिंग के बारे में मुझे बताएं कि एक्टिंग करना आसान है? बहुत से लोग हैं जो मेरी भी जिस तरह से अभी रिसेंटली शॉर्ट मूवीज आई हैं तो कहते हैं हाँ भाई ये एक्टिंग तो हम कर सकते हैं, बहुत आसान है, तो आप मुझे ये बताएं कि एक्टिंग करना आसान है या नहीं? बात यह है कि हर आदमी का इस पर अपना अपना ओपिनियन है, तुम्हारा अपना होगा, मेरा अपना है, बहुत सारे लोगों का अपने ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है इसमें कि या तो आप एक्टर होते हैं बाय बर्थ या आप नहीं होते हैं। हाँ बात आ जाती है पॉलिश, अगर आपको ये पता लग गया या किसी को ये पता लग गया है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है तो फिर पॉलिश करना, ग्रूम करना वो आपके अपने हाथ में भी है और वो आपकी टीम के हाथ में है। अगर आप राइट लोगों में चले गए हैं ग्रूम हो जाएंगे, फिर आप ग्रूम हो जाएंगे और वो पॉलिश। अगर आप एक्टर होने की बात करें, अगर हम सवाल को सिर्फ इतना रखें कि हाँ कोई एक्टिंग एक्टर है या नहीं है तो वो पैदाइशी है। देखो या मैं बोल सकता हूँ या मैं नहीं बोल सकता, अगर मैं बोल सकता हूँ पहली शर्त तो है मैं बोल सकूँ तो फिर वो तुम मुझे ठीक कर लोगी, लेकिन अगर मैं बोल ही नहीं सकता तो पहले आवाज़ डालनी पड़ेगी। तो एक्टिंग भी ऐसी है, वो खुदा डाल के भेजता है,
ये डिजाइन लोग हैं। बल्कि अभी जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ इस मूवी में काम कर रही हूँ, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं एक बेस्ट एक्ट्रेस हूँ, कभी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें मुझे सीखनी और है भी मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आप मुझे बताएं कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ बाय बर्थ है या फिर मुझे पॉलिश करना है या कुछ? नहीं, तुम एक्टर हो, वो अगर हो तो तुम यहाँ हो। देखो सिर्फ इसी क्रू में नहीं, तुमने बहुत सारे जिंदगी में क्रूज में भी तुम आई हो, ठीक है, खुदा करे तुम्हें बहुत सारी तरक्की मिले, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तरक्की मिले। उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ, जैसे कहते हैं ना, तुम किसी वक्त बैठ के कह रही होगी कि मैंने घाट घाट का पानी पिया, वो घाट घाट का पानी क्या होगा, वो सारा एक्सपीरियंस होगा। किसी से तुमने कुछ सीखा, किसी से तुमने कुछ सीखा, एंड आई एम टेलिंग यू सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने सीखी वो है पेशेंस। गर्मी है, हमें खाना नहीं मिलता, हमें कई दफ़ा आना नहीं मिलता, जाना नहीं मिलता, कई दफ़ा हम बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हम आते हैं और शूट नहीं होता, ठीक है, कई दफ़ा हमारे घर में बीमारी होती है जो कि दुनिया को, लोगों को नहीं पता कि हम किस तरह काम कर रहे होते हैं। बीमारी है, दुख है, तंग है, मौत है, हम वो सब कुछ ख़त्म करके पीछे छोड़ के हम लोगों को इंटरटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत आसान नहीं है, जिसको वो तुम्हारे सवाल का जवाब के एक्टिंग आसान है कि नहीं, अगर ये सारी चीज़ें लो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर आप जिस माशरे में काम कर रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, उसमें आपकी एक्सेप्टेंस क्या है, वो तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में और है, पाकिस्तान, एशिया में देखो तो और है। इवन दो आपके जो पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क है, आप देखो वहाँ बड़ी पजीराई है, हमारे भी है, लेकिन हम इसको सेकेंडरी ज़रा रखा हुआ है। जबकि बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से ही गए हैं, आप गाने में उठा के देख लें, सारे बड़े नाम यहाँ से हैं। एक्टर कौन सा बड़ा एक्टर पाकिस्तान से नहीं गया, जो इंडिया में भी काम कर रहे हैं, सारे रूट पाकिस्तान के हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसा ये है, ये है कि फोटोग्राफर्स मोस्टली मैं शूट करवाती रहती हूँ, तो वो ये कहते हैं बोल्ड ड्रेसिंग, और मैं उनको कहती हूँ मुझे ड्रेस बताओ कि मुझे थोड़ा सा मुझे आइडिया हो, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड बताते हैं, मतलब ड्रेसिंग के बारे में मुझे बताएं कि मॉड्स को ड्रेसिंग में और ये बोल्ड में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग हैं जो कॉन्सेप्ट आपकी, मेरी, मैं समझता हूँ आपका कॉन्सेप्ट, आपका कोई भी थीम अननेसेसरी, अगर आप बाल खोल दोगे, अननेसेसरी आप दुपट्टा उतार दोगे, अननेसेसरी आप पैंट पहन लोगे, तो वो आप उसका फ़ायदा नहीं है। देखें, एक थीम सेट होती है हर बात की, हर चीज़ की एक थीम होती है। अगर एक, एक एक बात आ गई भी है, लोग बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि हम एक्सपोज करवा के, एक्सपोज हो के शायद हमें काम मिल जाएगा, तो मैं पर्सनली, ये मेरा ख्याल है कि काम सस्टेन करने वाला टैलेंट से है, वो आपका जो टैलेंट है ना, जो आपकी एक्टिंग है, इफ़ यू आर अ एक्टर, आप सस्टेन करेंगे। हाँ, एक्सपोज कराएंगे तो आएंगे और चले जाएंगे। Exactly. देखें, ये तो यही है ना कि आप, अगर आप एक सीन कर रही हो और उसमें डिमांड है कि आपका खून निकल रहा है तो निकले, हर वक्त तो नहीं खून निकलता रहेगा ना, तो अगर कोई चीज़ की डिमांड है तो आप वो काम करें। अगर आपकी चीज़ की डिमांड नहीं है। यहाँ मैंने देखा है अननेसेसरी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कायनात कि अगर हम एक्सपोज होंगे, लोग अपने स्कैंडल्स वो करके और वो ले रहे हैं, क्या वो टैलेंटेड हैं? नहीं है। देखें, वो टैलेंटेड नहीं है। अगर उनको एक्टिंग एक्टर्स जो है वो सीजन है, बड़े बड़े नाम है। अच्छा, मैं बात वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन करना भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से ये टिकटॉकर्स हैं, मिलियन उनके व्यूज़ किए हुए हैं, फॉलोवर्स किए हैं, उन्होंने कैसे किया है, मतलब ये एक अगर लिपसिंग करना है, मैं भी बनाती हूँ टिकटॉक, लेकिन हर चीज़ एक लिमिटेशन में अच्छी लगती है। अब जब अपने आप को टोटली एक्सपोज कर दोगे, कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दोगे, अगर उससे ये लोग समझते हैं कि हमारी, हम लोग फेमस हो जाएंगे, मिलियन आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, फॉलोवर्स आ जाएंगे, तो अभी तक वो लोग ऑन स्क्रीन पे क्यों नहीं? देखें, यही बात है ना, बात यह कि असल में है टैलेंट, आप एक्सपोज होके व्यूअर्स ले सकते हैं, पर वो व्यूज चले भी जाएंगे, अगर कोई और एक्सपोज कर लेगा तो आपसे अच्छा होगा तो वहाँ चला जाएगा। अगर आप एक्टर हैं, कौन सी नजर, अगर आप अगर एक्टर हैं तो फिर आप उस जगह को रखेंगे, बरकरार रखेंगे। अच्छा, हम कुछ काम भी करेंगे साथ साथ, और फिर अगर कुछ और सवाल आपके आएंगे तो फिर मैं आपको जवाब देता रहूँगा। अभी तो हम लोग यहाँ पर हैं और अभी तैयारी शारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने सेटअप करनी है, तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल।